वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत को खराब करके रख दिया है। आम हो या खास, सभी का बजट बिगड़ गया है। इंसान के काम धंधों का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन ने काम धंधों को बुरी तरह प्रभावित करके रख दिया है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सामने आया है, जहां 8 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी 13 साल की मासूम मेहर जहां के कंधों पर आ गई है। मेहर जहां के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, उसी के बाद परिवार के सामने अचानक रोजी रोटी का संकट आन पड़ा। ऊपर से पूरे देश में लागू लॉकडाउन इस परिवार पर दुखों का पहाड़ लेकर टूट पड़ा। ऐसे में मेहर जहां सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार की परवरिश की कोशिश में लगी है। मेहर की इस हिम्मत और जज्बे को पूरा जहां सलाम कर रहा है, वहीं मेहर जहां की मां सरकार से मदद की अपील कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये आप आज भिंडी का ठेला लगा के बेच रही हैं, आखिर क्यों आए आप, ये ऐसा काम क्यों कर रही हैं? पापा खत्म हो गए हैं, लगाते हैं। कब खत्म हुए आपके पापा? 5 महीने। अच्छा, तो किरानी बेच रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी कुछ करती थी आप? आज सब्जी लगाते थे स्टेशन पे। अच्छा, तो ये कोरोना वायरस चल रहा है, अभी यही मेरे ठेले पे बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये सौदा कैसे लेके आती है? अभी जैसे कै बजे जाती है आप मंडी? 1:30 बजे रात में। हाँ। तो और फिर आती कै बजे? 4, 5, 6। अच्छा, तो 1:30 बजे रात में आप जाती हैं, डर नहीं लगता आपको? हैं, या आप घूम घूम के भेजती हैं मोहल्ले मोहल्ले, तो डर नहीं लगता आपको किसी तरह को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इससे कितने रुपए कमा लेती है दिन भर में? 200-250। बस, तो खर्च चल जाते हैं? हाँ, घर तो चलता है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5 बहन हैं, 2 भाई हैं छोटे। सब छोटे हैं आपसे? हमसे बड़ी 3 बहन हैं। अच्छा, आपसे बड़ी 3 बहन हैं। तो आपसे बड़ी 3 बहन हैं, 2 छोटे भाई हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 12-13 साल। और तो ये अब लगातार आप बेच रही हैं? मेहर जहां का परिवार बाराबंकी की काशीराम कॉलोनी में रहता है। होश संभालने के बाद से ही मेहर जहां और उसके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिंदगी में हर रोज इस मासूम के सामने एक नई चुनौती पेश कर रही है, जिससे यह पूरे साहस और हिम्मत के साथ लड़ रही है। पिता की हार्ट अटैक से मौत के बाद फिलहाल मेहर जहां के परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन ने भी इस परिवार के सामने कमाई के सारे रास्ते तक बंद कर दिए, जिसके चलते यह मासूम लड़की अब सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा चलाने को मजबूर है। मेहर जहां आधी रात को जाकर मंडी पहुंचती है और वहां से सब्जी लाकर अपना ठेला तैयार करती है, फिर पूरा दिन ठेले पर सब्जी लाद कर उसे मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचती है। मेहर जहां के इस जज्बे और हौसले को देखकर हर कोई उसे सलाम कर रहा है। आपकी बेटी मेहर जहां हमें मोहल्ले में मिली सब्जी बेचते हुए, आखिर उसको ये काम क्यों करना पड़ा? उसके पापा का इंतकाल हो गया, 5 महीने हो गए हैं हटेक में, तो इस वजह से वो लड़की हमारी बेच रही है सौदा। बहादुर है बेचने में, घर परिवार चलाने के लिए और कोई आगे है नहीं सारा, ये छोटा बेटा है, ये लोग कहाँ चला पाएंगे। बड़ी है ज़्यादा लड़कियाँ, वो पापा के साथ में रह रही थी तो सब जानती है बेचने उचना, तो वो कहने लगी कि अम्मी लाओ हम ही बेच के, घर तो चलेगा ही, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पहले कोरोना नहीं था तो स्टेशन पर लगाती थी, जब से कोरोना की बीमारी हो गई, जब से उसको बंद हो गया था वहाँ स्टेशन पर लगाना, तो फिर मंडी जाने लगी, फिर फेरी ठेला गली गली बेचने लगी। तो मंडी कै बजे रात में जाती है? 1:30 बजे, 2 बजे ऐसे जाती। तो आपको डर नहीं लगता इतनी बड़ी बेटी को बाहर भेजते? नहीं, बहुत हिम्मतदार है हमारी लड़की। अच्छा, ये चीज़। अच्छा, बहुत हिम्मतदार है वो, उसके ऊपर भरोसा है? हाँ, उसके ऊपर भरोसा है, अपने हाथ खरीद लेती भी है मंडी में, किसी के आगे हाथ नहीं कि तुम खरीदो तुम खरीदो, खुद खरीद लाती है, 100-200-300 कमा लेती है घर चलाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो आपका सहारा बन गया? बहुत अच्छा सहारा बन गया। तो सरकारी मदद कोई आपको? मदद नहीं मिली सरकारी, बस वो 0 बैलेंस का एक खाता खुला था उसका 500 मिला, बाकी और कोई नहीं मिला है। हमने फार्म भी ऑनलाइन भी कराया, विधवा पेंशन भी भराई, सब चल फिर के थक गए, लेकिन नहीं मिला। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 लड़कियां हैं और 2 बेटे हैं। सबसे छोटा बच्चा कितने? सबसे छोटा बच्चा ये 5वीं में चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है इसका? ये कैस नाम है, मोहम्मद कैस। अच्छा,
तो अब जो ये बेटी आपकी बेच रही है, कर रही है, सब्जी बेच रही है, तो आपको इसको कितना गर्व है, कितना? बहुत है। अच्छा, एक लड़के से ज़्यादा बहुत है गर्व। अच्छा, क्या लगता है ये आपकी जो है? बहुत ज़्यादा चलेगी अगर कामयाबी, बहुत अच्छी है, लेकिन बस कहाँ तक, अब बड़ी हो रही है तो अब ये है कि जैसे दिन चल रही जैसा अपने बाद में हम ही लगेंगे साथ में इसके, वहाँ स्टेशन पे जब खुल जाएगा तो हम लगाएंगे स्टेशन पे, अपना घर चलाएंगे, सब्जी ही बेच के घर चलाएंगे। भाई अपने आदमी की जगह है, वही जगह पे बैठेंगे, वही जगह पे हम लगाएंगे, आगे चल के मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वही जगह पर रहेगी जगह, वैसे बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे जगह नहीं पाएंगे, इधर उधर कहाँ मारे मारे फिर। तो आप सरकार से कोई मदद चाहती है? जी, सरकार से तो कोई मदद ही नहीं मिली है, मिलना तो नहीं कुछ चाहती है आप सरकार से, कुछ कहना चाहेंगी? जी, हमको मदद मिलनी चाहिए भाई, लड़की है देखो 18 साल की लड़की तैयार है शादी करने वाली, अब मदद कोई नहीं मिली, क्या मिलनी तो चाहिए। बिल आ रहा है, बताओ बिल, वो हम किस्तें बंधी पड़ी हैं, अब कैसे हम जमा करेंगे, बिल भी नहीं माफ, पहले कहें माफ कीजिए, अब एकदम से जब 20,000-30,000 हो गया तो कह रहे हैं कि किस्त बंधा हो वरना फिर लाइट कट जाएगी, तो दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। समझो 3,000 रुपये महीना किस्त बंधी है, अब हम एक महीना दिए हैं तो ये बंदी हो गई, हम कहाँ से दें, समझो एक महीना तो हमने उधार लेकर दिया है मान कि लाइट कट गई थी, तो ये लड़कियाँ दोबारे कहाँ बैठेंगी रोड पे गर्मियों में, तो हमने उधार लेकर दिया कि हम थोड़े थोड़े कमा के देंगे, तब ये लाइट जुड़ी है, अब बताओ 2 महीने हो गए किस्त नहीं दे पाए, बिल आ गया है कल, और सौदा भी है फिर बंद, कुछ लोगों ने कहा बंद करो, कैसे काम चलेगा भाई, हम बंद करा देंगे, बिल कौन देगा हमारा, सरकार से कोई मदद मिल नहीं रही, सरकार से कोई मदद मिल नहीं रही है। अरे यही है तो बिल ही मेरा माफ़ कराएं, तो कम से कम आप जो महीने से ये जो चढ़ा हुआ है पहले कहीं माफ़ कीजिए, अगर ये माफ़ कर दें तो जो महीना हर महीने से बिल आएगा आप भाई 100-200-300 जैसे खर्चा करेंगे वैसे भाई अपने पेट काट के जमा करेंगे, अब हम इकट्ठा कैसे दें, और बिल मांग रहे हैं भाई। पति की मौत के बाद परिवार पर छाए काले संकट के बादल मेहर जहां की मां के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देते हैं। मेहर जहां की मां के अनुसार अब उसकी बेटियां ही उसका सहारा हैं। 5 बेटी और 2 बेटों के इस परिवार को लॉकडाउन ने बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। मेहर जहां ने हिम्मत नहीं हारी, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसने ठेला लगाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये आता है कि क्यों ऐसे लोगों का दर्द सरकार की कानों तक नहीं पहुंच पाता है और क्यों इन गरीबों को इनका हक नहीं मिल पाता है। ऐसे अनेक सवाल हैं लेकिन उन सवालों का किसी पर जवाब नहीं। चाहे कोई सरकार आए, किसी की भी सरकार बने, पर इन गरीबों की दशा और दिशा कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और शायद कल भी ऐसी ही रहेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।